हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू टेक सेवन यूट्यूब चैनल। तो आज आपको ये वीडियो में MIUI 11 को आने वाली जो लॉन्चर है, MIUI का डिफॉल्ट लॉन्चर, उसके बारे में बताऊंगा। तो ये वीडियो में बेसिकली आपको बताऊंगा क्या क्या नया आने वाली है MIUI 11 का लॉन्चर के ऊपर, और आप कैसे ये लॉन्चर को इंस्टॉल करेंगे, किधर से आपको डाउनलोड करेंगे। तो सब कुछ ये वीडियो में इन डिटेल आपको बोलने वाला हूँ। बाय द वे, टेक सेवन चैनल से मैं सम्राट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो में प्लीज़ एक लाइक देना, उसके साथ कैसा लग रहा है वो भी नीचे जरूर कमेंट करके बताना, और उसके साथ चैनल में नया होने पर चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको दबा देना, इस तरह का वीडियो फ्यूचर में मिलने के लिए। और अगर पहले से सब्सक्राइब है तो थैंक यू, तो देरी किस बात की, चलो शुरू करते हैं। MIUI का जो लॉन्चर है, इसमें अगर आप देखेंगे इधर देख सकते, किसी तरह आपको ऐप ड्रॉयर देखने को नहीं मिलता है। इधर आपको जो भी है कम्प्लीटली होम स्क्रीन के ऊपर, तो काफ़ी ये प्रॉब्लमेटिक होता है काफ़ी सारे लोगों के लिए, क्योंकि आपको एक ऐप्स ढूंढने के लिए आपको काफ़ी सारा पेज स्क्रॉल करना पड़ता है, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम भी है। और जो एंड्रॉयड के एक प्लस पॉइंट बोल सकते हैं, क्योंकि एंड्रॉयड में इस तरह से ऐप ड्रॉयर यूज़ करके आप ऐप को ढूंढ सकते हैं, जैसा मेरा पोको लॉन्चर के ऊपर है। तो अगर आपको मैं पोको लॉन्चर को दिखाऊंगा, जो मैं प्राइमरी यूज़ करता हूँ सिस्टम लॉन्चर जो है MIUI का, उसको छोड़कर, तो इधर अगर आप देखेंगे पोको लॉन्चर में, तो इधर देख सकते हैं इधर ऐप ड्रॉयर है, इधर से आप आराम से कोई भी ऐप ढूंढ सकते हैं, जो काफ़ी इजी होता है। बट आपको MIUI का जो लॉन्चर है उधर आपको देखने को नहीं मिलता है। और उसके साथ और एक चीज़ का मांग था हम लोग को ये नया MIUI के ऊपर, जो है 3D टच का ऑप्शन। 3D टच का ऑप्शन में कोई ऐप्स को अगर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो उसमें जो जो ऐप्स का एक्स्ट्रा शॉर्टकट है उसमें आपको देखने को मिल जाता है। जैसा हम लोग को एग्जांपल के तौर पर अगर प्ले स्टोर के ऊपर पोको लॉन्चर में टच करोगे तो इधर आपको देख सकते एक एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिलता है, एज लाइक हर एक कुछ ना कुछ ऑप्शन ऐप्स के ऊपर देखने को मिलता है। तो ये सब ऑप्शन भी हम लोग को देखने को नहीं मिलता है डिफॉल्ट पोको जो सिस्टम लॉन्चर है उसके ऊपर, तो ये सब देने का मांग था। तो MIUI 11 आने वाली है तो उसमें आपको ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो ये है नया MIUI का लॉन्चर है, MIUI 11 में ये देखने को मिल जाएगा। डिफॉल्ट देखने में आपको तो इधर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, एज यूजल नया MIUI की तरह, MIUI 10 की तरह आपको इधर लॉन्चर देखने को मिल जाएगा। बट अगर आप इस तरह से पिंच करेंगे तो पिंच करने पर जो एक्स्ट्रा ऑप्शन इधर सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा। तो सेटिंग्स में अगर जाएंगे तो सेटिंग्स में आपको तो सबसे पहले होम स्क्रीन लेआउट का ऑप्शन जो आपको इधर देखने को मिल जाएगा, ये पुराना हो गया क्योंकि ऑलरेडी ये हर एक फ़ोन के ऊपर अपडेट आ चुका है। तो अगर आपका फ़ोन में अभी तक लॉन्चर का अपडेट नहीं आया तो आप एक बार MIUI का जो ऐप्स का ऑप्शन है उधर से, नहीं तो आप सिस्टम ऐप्स अपडेटर से एक बार चेक कर सकते हैं, आपका लॉन्चर का अपडेट आ जाएगा। और अगर ये नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जो लिंक दिया दूंगा उसमें आपको ये इंस्टॉल करने पर आ जाएगा। तो इधर अगर देखेंगे तो इधर जो मोर का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, तो मोर में क्लिक करने पर इधर तो सब कुछ एक तरह का ही है, एक्सेप्शनल एक ही है। इधर एक देखेंगे एक चाइनीज लैंग्वेज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये जो चाइनीज लैंग्वेज का ऑप्शन है, अगर इसमें हम लोग जाएंगे तो इधर आपको दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो उधर से अगर हम नीचे वालों को क्लिक करेंगे, तो हम लोग अगर नीचे वालों को क्लिक करने का बाद अगर ओके कर देंगे तो हम लोग को देंगे देखेंगे चेंज हो जाएगा। तो ओके कर देते हैं इसको, तो ओके होने में थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये एकदम नया होगा। तो देख सकते हैं इधर देखिए इधर एक नया ऑप्शन आ गया, तो इसको मैं 5:5 कर देता हूँ, जिधर 4:4 है। तो 5:5 करने के बाद अगर मैं ओके कर देता हूँ, सॉरी 5:5 नहीं हुआ, तो 5:5 करने का बाद अगर आपको दिखाता हूँ तो देख सकते हैं इधर मुझको सब कुछ एकदम 5:5 तो हो गया। उसके साथ इधर एक एक्स ऑप्शन आ गया, जिधर आप टच करने पर इधर आपको कंप्लीट ऐप ड्रॉयर के अंदर आपका हर एक ऐप्स देखने को मिल जाएगा। तो ये है कंप्लीट नया MIUI का 11 का लॉन्चर का मेन ऑप्शन जो आपको हाईलाइटेड देखने को मिल जाएगा। तो ऐप ड्रॉयर की ऑप्शन इधर देखने को मिल जाएगा। उसके साथ अगर आप स्वाइप करेंगे बाएं तरफ तो आपको किसी तरह इधर एक्स्ट्रा कोई होम पेज देखने को नहीं मिलेगा, मतलब इधर से आपको और किसी तरह एक्स्ट्रा ऐप्स का इधर ऑप्शन आपको डिफॉल्ट देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि अगर आप कोई भी ऐप्स को इधर लेकर आना चाहता है तो आप आ सकते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन एक्स्ट्रा पेज देखने को मिल जाएगा। बट डिफॉल्ट आपको इसमें टच करने पर इधर आपको कम्प्लीटली सब ऐप्स देखने को मिल जाएगा। उसके साथ अगर आप स्वाइप डाउन करेंगे तो आपको होम पेज में नहीं आएगा, तो आपको इधर जो ऑप्शन है इसमें टच करने पर कम्प्लीटली होम स्क्रीन में आ जाएगा।
और एक चीज़ आपको अच्छा लगा, इधर से जो स्वाइप करने पर हर एक नाम से जो जो ऐप्स है उसको हाईलाइटेड किया गया इसमें, जो एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन मुझको पर्सनली लगा, तो ये ऑप्शन को ऐड किया गया। और नेक्स्टली जो चीज़ आपको बोल रहा था 3D टच का ऑप्शन, तो ये भी इधर ऐड किया गया। जैसा अगर इसमें 3D टच में टच करूँगा तो कोई ऐप्स में अगर उसमें एक्स्ट्रा कोई ऑप्शन रहेगा तो वो आपको इधर 3D टच की ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो ये भी आपको ये नया जो ऐप्स है उसमें देखने को मिल जाएगा। और ये जो 3D ऐप्स का 3D जो टच का ऑप्शन है ये काफ़ी रेस्पॉन्सिव भी है, मुझको पर्सनली देखने को मिला। तो ये भी एक ऑप्शन हम लोग को ऐड होते हुए देखने को मिलेगा आने वाली MIUI 11 की लॉन्चर की ऊपर। हालांकि ये लॉन्चर हो सकता है आने वाली 2 से 3 महीने के अंदर भी कोई भी सब फोन में आ सकता है, तो तब तक वेट करना पड़ेगा अगर आप चाहे तो। बट आप चाहे तो अभी भी इसको इंस्टॉल कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, आपको ये लॉन्चर का जो लिंक, देखिए एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक में जाने पर आपको इस तरह का एक पेज आ जाएगा। तो इस पेज में जाकर आपको क्या करना है, क्लिक हियर टू स्टार्ट डाउनलोड करना है, तो स्टार्ट हो जाएगा और आपका लॉन्चर डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको जो नॉर्मल है उस तरह का रहेगा। तो आपको क्या करना है, पिंच करना है, आपको सेटिंग्स में जाना है, मोड में जाना है, और इधर जो चाइनीज लैंग्वेज है उधर से जाकर नीचे वालों को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका लॉन्चर जैसा एकदम ऐसा हो जाएगा और इधर से आप आपका ऐप ड्रॉअर को एक्सेस कर पाएंगे। और एक चीज़ मुझको अच्छा लगा, जो चीज़ मेरा अच्छा लगा, इधर अगर मोड में जाकर अगर आप ये जो डिफॉल्ट है ऐसा ही रख देंगे, तो उसका बाद अगर आप देखेंगे तो इधर में जो ऑप्शन है इधर भी आपको 3D टच का ऑप्शन ठीक ठाक से काम करते हुए देखने को मिल जाएगा। तो ये भी अच्छा एक ऑप्शन बोल सकते हैं। तो ये था कंप्लीट MIUI 11 का आने वाली जो लॉन्चर है उसका ओवरव्यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो का लास्ट तक मेरा साथ ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो में प्लीज़ एक लाइक देना, उसके साथ चैनल में नया होने पर चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको दबा देना इस तरह का वीडियो फ्यूचर में मिलने के लिए। अगर पहले से सब्सक्राइब है तो थैंक यू, फिर एक नया वीडियो में मुलाकात होगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।